हेलो गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम एनिमा की रिमेनिंग टॉपिक को पढ़ेंगे जिसके अंदर हम एनिमा के बारे में पढ़ चुके हैं कि एनिमा कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और एनिमा क्या होता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक क्या टॉपिक पर आते हैं, एनिमा के लिए हम आर्टिकल्स कौन कौन से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल है कि एक ट्री लेंगे जिसके अंदर हम एनिमा केन या ट्यूब रखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक रेक्टल ट्यूब यूज़ करेंगे एडल्ट के अंदर और रेक्टल कैथेटर प्लेस करेंगे किडनी ट्रे के अंदर, एक रेक्टल ट्यूब और एक रेक्टल कैथेटर। उसके बाद मैकिंटॉश एंड टॉवल। सबसे पहले हम एनिमा कैन या ट्यूब का यूज़ इसलिए करते हैं टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन एट जस्ट द रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए और फ्लो रेट को एडजस्ट करने के लिए। दूसरा हम जो आर्टिकल यूज़ करते हैं रेक्टल ट्यूब या रेक्टल कैथेटर, वो क्या करते हैं इंट्रोड्यूस इन रेक्टम, रेक्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इन आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे। उसके बाद मैकिंटॉश एंड टॉवल है जो प्रोटेक्ट द बैड बैड को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ जो आर्टिकल है वो है वाटर सॉल्यूबल जेली और वैसलीन, जिसको क्या करें लुब्रिकेट और ट्यूब ट्यूब को लुब्रिकेट करने के लिए एनिमा को इंसर्ट करने से पहले, रेक्टम में इंसर्ट करने से पहले अपन लुब्रिकेशन के तौर पर वाटर सॉल्यूबल जेली या वैसलीन का यूज़ करते हैं। उसके बाद आएगा रैग पीसेस इन अ कंटेनर, रैग पीसेस का यूज़ करेंगे कंटेनर में, जो कि क्या करेगा इसका पर्पज़ होता है अप्लाई द लुब्रिकेंट एंड क्लीन द पेरिनियम वेन नेसेसरी, अगर ज़रूरत है तो पेरिनियम को क्लीन करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है वो हॉट एंड कोल्ड वाटर इन जग, जग के अंदर हॉट और कोल्ड वाटर रखेंगे जो क्या करेगा सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। उसके बाद सोप जेली इन अ बॉटल, बॉटल के अंदर सोप और जेली रखेंगे जो क्या करेगा सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेगा। नेक्स्ट आएगा वो आएगा ओन्स ग्लास जो क्या करेगा मेजर द सोप जेली। नेक्स्ट आर्टिकल आएगा पेपर बैग जो क्या करेगा डिस्कार्ड द वेस्ट, वेस्ट को डिस्कार्ड करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है स्पेसिमेन बॉटल्स अगर नीड है तो, और बेड पेन और जो कि फर्स्ट वन टू रिसीव द कंटेंट, कंटेंट को रिसीव करेगा बॉल के अंदर और सेकेंड वन इन गिव टू पेरिनियल केयर, सेकेंड वन क्या करेगा पेरिनियल केयर के लिए अपन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल आएगा क्लीन लीनियन एज नीडेड, टोटली क्लीन लीनियन एज नीडेड, अगर नीड है तो क्लीन लीनर का यूज़ करेंगे टू चेंज द लीनर आफ्टर प्रोसीजर, प्रोसीजर के बाद अगर ज़रूरत पड़ रही है तो लीनर को चेंज कर देंगे। और टॉयलेट्री का यूज़ करेंगे टू क्लीन द पेरिनियम, पेरिनियम को क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल आएगा एक आईवी स्टैंड ओवल बेड टेबल पर जो कि होल्ड करता है एनिमा केन की पोजीशन को। ये तो आते हैं आर्टिकल्स के बारे में। सेकंड जो टॉपिक आएगा मैथड यूज गिविंग एनिमा, एनिमा को देते समय कौन कौन से मैथड यूज करते हैं या एनिमा के लिए। तो सबसे पहले एनिमा केन और ट्यूब का यूज़ करेंगे, वो क्या करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूड आर गिवन टू दिस मैथड, इस मैथड के थ्रू लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूड जो होता है वो दिया जाता है जैसे कि सोप एंड वाटर एनिमा फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट आएगा फनल एंड कैथेटर मैथड जिसके अंदर आएगा क्वान्टिटी ऑफ फ्लूड होती है वो दी जाती है, फ्लूड की जो क्वान्टिटी होती है वो ज़्यादा होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आएगा ऑयल एनिमा। थर्ड आएगा वो है ग्लिसरीन सिरिंज एंड कैथेटर मैथड जिसके अंदर अपन क्या करेंगे क्वांटिटी ऑफ फ्लूड तो स्मॉल देंगे, मतलब थोड़ी मात्रा में फ्लूड की क्वांटिटी देंगे, फॉर एग्जांपल है पर्गेटिव एनिमा, पर्गेटिव एनिमा के अंदर थोड़ी क्वांटिटी ऑफ फ्लूड को दिया जाता है। नेक्स्ट आएगा एक ड्रिप मेथड, ड्रिप मेथड के अंदर आएगा कि इसको एडमिनिस्टर करेंगे फ्लूड को स्लोली, फॉर एग्जाम्पल है न्यूट्रिएंट एनिमा, न्यूट्रिएंट एनिमा के अंदर स्लोली इसको फ्लूड को देंगे क्योंकि ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है। सॉरी हम दोबारा से पढ़ेंगे फनल एंड कैथेटर मेथड को जिसके अंदर क्या आता है स्मॉल अमाउंट में फ्लूड को दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल से आएगा ऑयल एनिमा, जो लार्ज अमाउंट बोला था उसकी जगह पे स्मॉल अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले क्या करेंगे अपन एनिमा को देते टाइम एनिमा केन और ट्यूब का यूज़ क्या है, तो सबसे पहले प्रीलिमिनरी असेसमेंट करेंगे, तो सबसे पहले चेक द डायग्नोसिस, डायग्नोसिस चेक करेंगे उसको चेक करेंगे, उसके बाद चेक द डेट एंड टाइप ऑफ सर्जरी, सर्जरी कौन सी हो रखी है कौन सी डेट को हो रखी है उसको चेक करेंगे। देन एबिलिटी एंड लिमिटेशन कंसर्निंग मूवमेंट चेक करेंगे, उसके बाद कॉन्शियस चेक द कॉन्शियसनेस एंड एबिलिटी टू फॉलो डायरेक्शन, पेशेंट की कॉन्शियसनेस को चेक करेंगे, और चेक द नेचर ऑफ एनिमा ओवर ऑर्डर्ड एंड स्पेशल प्रिक्वेशंस इफ एनी टू बी फॉलोड, चेक द जनरल कंडीशन ऑफ द क्लाइंट एंड एबिलिटी टू रिटेन द फूड,
प्लांट की जनरल कंडीशन को चेक करेंगे। नेक्स्ट आएगा चेक दी मेडिकल ऑर्डर फॉर द कलेक्शन ऑफ स्टूल, स्टूल के कलेक्शन के लिए मेडिकल ऑर्डर को चेक करेंगे फॉर लेबोरेटरी टेस्ट। और किसी भी रीजन के अंदर रेक्टल या पेरिनियल एरिया को अपन चेक करेंगे। उसके बाद एनी एक्स्ट्रा हेल्प नीड होगी तो एग्जाम्पल है बेड पान या पोजिशन। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है प्रिपरेशन ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे अपन, तो क्लाइंट को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले क्लाइंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे ताकि अपन उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके और उसको कम्फर्ट कर सके। नेक्स्ट आएगा उसको प्रॉपर प्राइवेसी प्रोवाइड करें विद कर्टन्स वगैरह से, और कवर द क्लाइंट विद शीट एंड बाथ ब्लैंकेट एंड फैन होल्डेड द टॉप लिनन एंड वुड एंड द बेड। मतलब क्लाइंट को पूरा कवर करेंगे और रिमूव द बैक रेस्ट एंड पिलो, बैक पर से बैक रेस्ट और पिलो को रिमूव करेंगे और मैकिंटोश एंड टॉवल को प्लेस करेंगे वहाँ पे, उसके ऊपर पेशेंट को लिटाएंगे जो कि प्रोटेक्ट करता है बेड को। नेक्स्ट आता है क्लाइंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे और जितने भी आर्टिकल्स अरेंज हुए हैं उन्हें बेड साइड लॉकर पर रखेंगे और जो आईवी स्टैंड है उसको एडजस्ट करेंगे ताकि एनीमा की जो क्वांटिटी है या फिर फ्लूइड की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा या कम ना हो। उसके बाद बॉटम गारमेंट्स को रिमूव कर देंगे पेशेंट के और इमीडिएटली जो क्लाइंट है उसको अपन एनीमा देंगे। ये सारे तो आएंगे क्लाइंट को प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद आता है स्टेप ऑफ प्रोसीजर। प्रोसीजर के स्टेप होंगे सबसे पहले हैंड वॉश जो कि क्रॉस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, उसके बाद जो ट्यूब होती है उसको अटैच करेंगे और क्लैंप करेंगे, प्रिपेयर द सॉल्यूशन एंड रेडी द एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट आएगा प्रिपेयर द सॉल्यूशन एंड रिक्वायर्ड टेम्परेचर। रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे एट उसके बाद आएगा कि जो एनिमल है उसको हैंग करेंगे, हैंग करने के बाद उसको अटैच कर देंगे रेक्टल ट्यूब से। नेक्स्ट आएगा लुब्रिकेशंस का यूज़ करेंगे, सेपरेट करेंगे क्लाइंट्स के बटक्स एंड विजुअलाइज द एनस क्लियरली। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आएगा होल्ड द एनिमा, एनिमा को होल्ड करेंगे फेस वाइल रिलीजिंग द प्रेशर ऑन द ट्यूब एंड लेट द फ्लूड रन इन। जब तक फ्लूड अंदर की साइड जाता है, ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फ्लूड आस्क क्लाइंट टू टेक पेंटिंग ब्रीथ। मतलब क्लाइंट को बोलेंगे कि ब्रीथ को होल्ड करें। इसके बारे में जो है वो अपन लुब्रिकेशन के तौर पर 2% ज़ाइलोकिन जेली का यूज़ कर सकते हैं और मेनली आर्टिकल्स के अंदर अपने को ग्लव्स यूज़ करने हैं। पोजीशंस दो टाइप की होगी, एक तो सिम्स लैटरल और एक लेफ्ट लैटरल पोजीशन। क्या इसके बाद में हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो हमारे पास है स्टेप ऑफ प्रोसीजर हो गया इंसर्शन ऑफ द फ्लैटेस्ट ट्यूब। फ्लैटेस्ट ट्यूब के इंसर्शन के लिए सबसे पहले इसका पर्पस क्या होता है, एस्केप द फ्लैटेस्ट, फ्लैटेस्ट को एस्केप करना, बाहर निकालना। फ्लैटेस्ट को बाहर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके अंदर पोजीशन जो होगी वो देंगे सिम्स लैटरल पोजीशन, वन एंड ऑफ ट्यूब इन रेक्टम एंड अदर एंड इज इमर्स इन वाटर। मतलब एक हैंड होगा वो रेक्टम के अंदर होगा और दूसरा हैंड जो होगा वो वाटर की बॉल के अंदर होगा जिसके अंदर KNO4 का सॉल्यूशन होता है 1:5000 1 ml in 5 liter। देन ऑब्जर्व द एयर बबल इन पॉट एंड वाटर को चेक इफेक्टिवनेस। वाटर के अंदर एयर बबल्स को चेक करेंगे उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए। जो 4 से 6 inch की होती है और जो ट्यूब होती है वो 4 से 6 inch की होती है, 10 से 15 cm तक इसको इंसर्ट करेंगे। अवॉइड एंड होल्ड द फ्लैटेस्ट ट्यूब इन रेक्टम मोर देन 20 मिनट। मतलब फ्लैटेस्ट ट्यूब को 20 मिनट से ज़्यादा अंदर की साइड नहीं रखेंगे बिकॉज ये क्या करती है, इंक्रीज करती है रिस्क को अल्सर के। इसके बाद में इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या हो जाएंगे कि एनिमा को कब कब यूज़ नहीं करना चाहिए। एक तो सबसे पहले लूज स्फिंक्टर होता, दूसरा आएगा पेनफुल एंड ब्लीडिंग हेम्पर्ड्स। उसके बाद यदि फिस्टुला इन एनस है और या रेक्टल इन्फेक्शन है या पेनफुल स्किन लीजन अराउंड द एनस है और एक मैसिव कार्सिनोमा या ट्यूमर है रेक्टम के अंदर और एक डेबिलेशन है, ये सारी चीज़ें होने पर अपन फ्लैटेस्ट ट्यूब का इंसर्शन नहीं करते हैं। थैंक यू।